नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में पार्टी स्थापना के बाद पहली बार आजाद समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव किस तरह लड़ेगी, इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, देखिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे काफ़ी करीब आ चुकी है। तमाम पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी है, कहां किसको टिकट देना है, सारा तैयारियां चल रही है, जोर शोर से चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी कड़ा होगा, काफ़ी बहुत कुछ निर्भर करता है इस बार के विधानसभा चुनाव पे। इसलिए कि आपने देखा है कि अभी देश जिस तरीके से परेशान हुआ, पहले कोरोना से, कोरोना के बाद जब बरसात हुआ तो बिहार पूरी तरह से बाढ़ में प्रभावित हो गया, काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर का होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी विधानसभा चुनाव में पहली बार बिहार से आज़ाद समाज पार्टी, मैं आपको बता दूं आज़ाद समाज पार्टी जो पूरे देश में अब काफ़ी चर्चित हो चुके हैं, और ये आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, पहचान को मोहताज नहीं है, और ये आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और वो पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। और इसी लेकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, जो काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी लगनशील हैं और काफ़ी नाम भी है इनका, वो सच हैं विद्या यादव जी। तो आइए हम विद्या यादव जी से मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी के बारे में और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। सर, स्वागत है आपका एसबीएन न्यूज चैनल पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है और आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या स्थिति है, किस विचारधारा पे आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी? पहला तो आपको हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। विचारधारा की बात आपने की जी, देश में दो तीन विचारधाराएं हैं। एक पूंजीवाद है, अच्छा, दूसरा समाजवाद है, तीसरा अम्बेडकरवाद है, अच्छा। और जिस सपना को हमारे पूज्य अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब जी बढ़ाना चाह रहे थे, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी विचारधारा को देश में बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और अम्बेडकरवाद विचारधारा को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी के दम पे चुनाव भी लड़ेंगे, पब्लिक के बीच भी जाएंगे। है 15 साल से है, उसको 15 साल जो जनता को परेशान किए हैं, जनता उसको सबक सिखाएगी। अच्छा, इस बार तो आपकी पार्टी बिहार में जब चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर आपके पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा। अच्छा, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 80 सीटों पे लड़ेंगे। कम से कम 80 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव आप 80 सीटों पे लड़िएगा, तो बिहार में आप देख रहे हैं कि दो जो शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ बिहार में कह सकते हैं, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ NDA, ये दो जो शक्तियाँ हैं इसके बीच जो है टक्कर होगी, और तीसरा आप हैं। नहीं, नहीं, तो अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये दोनों पार्टी में से किसका समर्थन आपको मिलेगा, आप किसको समर्थन करेंगे? देखिए, पहला नंबर तो आपने कहा है कि दो शक्तियाँ, लोकतंत्र में पार्टी में शक्ति नहीं होती, गठबंधन है, शक्ति नहीं, गठबंधन में भी शक्ति नहीं होती, लोकतंत्र में शक्ति तो जनता में निहित होती है। अच्छा, ठीक है, NDA है, UPA है, हम लोग भी लड़ेंगे, अच्छा, जनता हमें भी, हमें पूरा विश्वास है
कि जनता हमारे सिद्धांत को, हमारे कार्यशैली को पसंद करेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है हम लोग मेढक की तरह आ गए। अच्छा, पिछले पांच वर्षों से लगातार हम लोग जहां तक हो सकता है जितना सक्षम है दलितों को, पिछड़ों को, जो भी कमजोर लोग हैं उनको मदद करते रहे। एक दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बिहार के दरभंगा जिला में ज्योति पासवान का पहले रेप होता है, फिर मर्डर होता है। अच्छा, और जब ज्योति पासवान जी के पिता थाना में जाते हैं तो थाना 3 घंटा देर से आती है और ज्योति पासवान के पिता पर ही डकैती का केस कर। अच्छा, इस अन्याय के विरुद्ध हमारे बिहार के तथा कथित कोई भी नेता नहीं आए थे, हमारे चंद्रशेखर रावण ही दिल्ली से आए। तो काफ़ी अच्छा आपने बात कहा है कि, और कुछ लोगों का मानसिकता है वो मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो केवल दलित की है, क्या ये इसमें कहाँ तक सकता है? अब देखिए, आपको याद होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे, आपको पता है क्यों दिए थे? क्यों दिए थे बताइए। ओबीसी के आरक्षण के मुद्दा पे दिए थे। अच्छा, कि वह चाह रहे थे ओबीसी को उसी समय आरक्षण मिले। अच्छा, और नेहरू तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आरक्षण के सपोर्ट में, ओबीसी के सपोर्ट में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए। अच्छा, और तो आपने कहा कि लोगों का मानसिकता है, लोग तो कहते हैं, लोग तो अफवाह फैलाएंगे कि हम लोग का आपस में जो बहुजन एकता तोड़ने का कोशिश करेंगे, बहुत हद तक वो लोग सफल हो भी रहे हैं लेकिन आगे नहीं होंगे। अच्छा, जिस ढंग से अंबेडकर साहब सारे लोगों के लिए काम किए, क्या वो वोट का अधिकार जो दिलवाए केवल दलित को दिलवाए, ओबीसी को भी मिला, माइनॉरिटी को भी मिला, जो मौलिक अधिकार है जो बाबा साहब ने लिखा संविधान में, वो क्या केवल दलितों के लिए था? ओबीसी के लिए भी था, माइनॉरिटी के लिए था। बाबा साहब ने यह भी अधिकार दिया कि अब जिस धर्म को आज जो हमारे देख रहे हैं तथा कथित धर्म प्रचारक देश में टहल रहे हैं, ये धर्म, आप किस धर्म को मानते हैं यह अधिकार भी बाबा साहब का देने का, आपको जिस धर्म को मानना है मानो, यह केवल दलित के लिए भी, सबके लिए। इसी ढंग से काशीराम साहब ने काम किया, हम लोग भी ठीक है दलित पे ज्यादा फोकस इसलिए कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा अन्याय उसी पे हो रहा। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, एक रिपोर्ट था उसमें दिखा रहा है कि दलित पे एक साल में बिहार में, केवल बिहार में दलित पे 7,000 उत्पीड़न का केस आता है। सबसे ज्यादा जिसके पास, जिसके साथ अन्याय होता है हमको ज्यादा उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। लोगों को दिख रहा है लेकिन हम लोग सबके लिए काम करते हैं और सब लोग हमारे साथ रहेंगे, मेरा विश्वास है। अच्छा, आपका पार्टी, आपने इससे पहले जो संगठन था आपका भीम आर्मी, बीच बीच में आरक्षण खत्म करने की बात हुई थी, हो रहे थे, हुआ था नहीं, बस ये पता नहीं होने वाला था या नहीं था, वो इंटरनल मैटर था, लेकिन जब आरक्षण खत्म करने की जब बातें हो रही थी, हल्ला हो रहा था सीधा समझिए, उसमें आपकी पार्टी, आपके संगठन काफी चढ़ बढ़ के आगे आया था कि आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए, केवल आरक्षण के मुद्दे पे जहाँ भी बहुजनों के हित की बात होती है हम लोग खड़ा रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं, 2 अप्रैल 2018 आपको याद होगा जी, पूरा भारत बंद हुआ था। पूरा भारत बंद हुआ, मैटर क्या था, मुद्दा क्या था, कि दलित जो SC ST कानून है उसमें संशोधन करने के बाद भीम आर्मी पूरे देश में आंदोलन किया, पूरे देश को बंद किया। ये बात और है कि अन्य लोग भी समर्थन सहयोग किए थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, किए थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।